कैराना पलायन मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कैराना से हिंदू परिवारों का पलायन हुआ और यहां पलायन की वजह डर को बताया गया है। साथ ही आयोग ने यूपी सरकार से मामले में अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। इस रिपोर्ट में 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र है। बताया गया है कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद कैराना में 25 से 30,000 मुस्लिमों को बसाया गया था। इसको भी हिंदुओं के पलायन की एक बड़ी वजह बताया गया है। आपको बता दें कि इसी साल बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने ऐसे 346 लोगों की सूची जारी की थी जिन्होंने एक समुदाय विशेष के उगाही करने और सुरक्षा खतरों की वजह से कैराना छोड़ा था। इसके बाद राजनीति गर्मा गई थी। कैराना मामले पर सियासत पहले ही गर्म थी और अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार का घिरना लगभग तय माना जा रहा है। देखते रहिए टीपी लाइव।